Today we are going to cover this topic of electrostatic potential. नहीं, potential तो हमने कर दिया है, आज हम कवर करेंगे equipotential surface. equipotential surface क्या किसको बोलते हैं? This surface is the locus of all the points which is having the सेम पोटेंशियल. मतलब रीजन में, स्पेस में जिन सारे पॉइंट्स का अगर सेम पोटेंशियल हो, अगर उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं तो 3D में एक सरफेस बनेगा, है ना. उस सरफेस को अपन क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस. द लोकस ऑफ द पॉइंट्स हैविंग इक्वल पोटेंशियल. सो अगर अपन पॉइंट चार्ज क्यू लेते हैं, राइट, तो पॉइंट चार्ज क्योंकि जैसे पोटेंशियल क्या आता है, वी क्या आता है, 1/4πε0 q/r. सो व्हाट वी सी इज कि फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आर, वी कांस्टेंट हो जाएगा. यानी कि लेट्स से इफ आई टेक अ डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम दिस चार्ज क्यू, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल या इससे आर नॉट दूरी पे स्पेस में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका पोटेंशियल सेम होगा. दैट मींस अगर उन सबको, अगर अपन उस पूरे लोकस को अगर ड्रॉ करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? एक स्फीयर बन जाएगा. सो वी कैन से दैट अगर पॉइंट चार्ज है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा? एक स्फीयर होगा. So, अगर मैं दूसरा कोई पॉइंट ले लेता हूं जिसका डिस्टेंस लेट से आर वन है, तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा. ओके, सो दैट मींस हमारे को हर एक वैल्यू ऑफ आर के लिए एक नया स्फीयर मिल जाएगा. सो ऑल दीज स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा? स्फीयर होगा. ओके, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सर्फेसेज विद पॉइंट चार्ज एट द सेंटर. तो हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बने हैं पॉइंट चार्ज के लिए, उसमें क्या हो गया? पॉइंट चार्ज कहाँ पे है? वो तो सेंटर पे है. और जो स्फीयर्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक, यानी सबका स्फीयर, सब स्फीयर्स का सेंटर वही चार्ज क्यू है. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? पॉइंट चार्ज के लिए तो बिल्कुल सिंपल हो गया. नाउ इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की? अगर हम इस सरफेस पे हैं, तो अगर इसका पोटेंशियल मान लेते हैं वी वन है, इस सरफेस का पोटेंशियल वी वन मान लेते हैं, ओके, तो अगर हम इसी सरफेस पे इस एक चार्ज, इस चार्ज को क्यू नॉट मान लो, यहां पे एक चार्ज क्यू है, फिर इस चार्ज क्यू को इसी स्फीयर के दूसरे पॉइंट पे ले, दूसरे पॉइंट पे, इसी स्फीयर के ऊपर किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाओ, तो उसका यू इनिशियल कितना होगा? क्यू इंटू वी वन. यू फाइनल कितना होगा? क्यू इंटू वी वन. यहां पे भी पोटेंशियल वी वन है और यहां पे भी पोटेंशियल वी वन है, तो वर्क डन कितना हो गया? नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क डन बाय द फील्ड. ये वर्क डन किसका है? वर्क डन बाय द फील्ड. और ये कितना हो गया? जीरो. ये कितना हो गया? जीरो. सो हम बोल सकते हैं द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो. वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ चार्ज on any two points on the same equipotential surface will always be zero. ध्यान रख लेना, initial point कहाँ पे है? एक surface पे है और दूसरा point भी उसी equipotential surface पे. Okay? Now it doesn't matter कि हम कैसे जाएंगे. तुम लोग, it's not that we have to always move on the sphere. We can go on this way. We can go
like this or we can go like this or like this. Kaise bhi jao. If your starting point and the end point are on the same equipotential surface, then the work done will be zero. Clear hai? हमें सरफेस के ऊपर मूव नहीं करना है, हम चाहे जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हैं. द ओनली कंडीशन इज पॉइंट वन और पॉइंट टू जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही लाई करना चाहिए. ओके यहां तक समझ में आ गया. तो पहला पॉइंट कवर हो गया हमारा. द वर्क डन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो. ओके सेकंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये पॉइंट अच्छे से नोट कर दिया. द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज बाय द फील्ड from point one to point two on the equipotential surface is zero by the field है और equipotential surface पे ही दोनों point होने चाहिए. कौन से path से जा रहे हैं वो matter नहीं करता. Okay. Second point क्या है? Second point बोल रहा है the electric field lines are perpendicular to the equipotential surface. Electric field lines are perpendicular to equipotential surface. ऐसा क्यों? First of all तो हम इसको feel कर लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर उसको justify करेंगे कैसा क्यों होता है. Okay? You see here, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? पॉइंट चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जा रही है, ऐसे ही जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज से, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? इट्स रेडियल गोइंग आउटसाइड अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो. ओके और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है. So at each and every point, if you see, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो स्फीयर का जो टेंजेंट है, क्योंकि नॉर्मल है इसीलिए उसका परपेंडिकुलर है. सो वी कैन क्लियरली सी दैट द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. पॉइंट चार्ज के लिए हमारे को क्लियरली दिख रहा है. नाउ द व्हाई शुड दिस बी क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन आ रहा है. ओके देख तो हमने लिया है पॉइंट चार्ज के लिए, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने इसको वेरीफाई किया है. सो नाउ लेट सी कि व्हाई इज दिस परपेंडिकुलर. सपोज कर लो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू द पॉइंट चार्ज, ये क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज इस किसी डायरेक्शन में होती. ओके देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक टू डायरेक्शंस. वन डायरेक्शन
जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एंड वन डायरेक्शन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के टेंजेंशियल होगा, राइट right? हमने क्या अज्यूम कर दिया, वी अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस और कोई एंगल बना रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का विच इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का विच इज पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर फील्ड जो कंपोनेंट फील्ड जो पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस का, सो सपोज वी मूव द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज ऐसे मूव करते चार्ज को अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस, तो वर्क डन कितना हो जाता, वर्क डन हो जाता ई पैरेलल इनटू डीएस, अगर स्मॉल डिस्टेंस मूव करते हैं तो वर्क डन कितना हो जाता, दिस वर्क डन इज बाय द फील्ड, बाय द फील्ड, राइट, व्हेन यू आर मूविंग ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू, देन ई परपेंडिकुलर जो है, जो ई परपेंडिकुलर है उसकी वजह से तो वर्क डन जीरो रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है जो सरफेस के अलोंग है, जो सरफेस के अलोंग है उसकी वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा ई पैरेलल इनटू डीएस व्हिच इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस अगर वर्क डन जीरो नहीं है दैट मींस यू वन इज नॉट इक्वल टू यू टू, इफ द वर्क डन इज नॉट जीरो देन डेल्टा यू इज नॉट जीरो, अगर वर्क डन जीरो नहीं है तो डेल्टा यू जीरो नहीं है दैट मींस यू वन इज नॉट इक्वल टू यू टू, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हमारे को क्योंकि अभी हमने क्या देखा था कि वर्क डन व्हेन द पॉइंट मूव्स फ्रॉम पॉइंट वन सॉरी द चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट वन, ये वर्क डन में फोर्स लो क्यू ई, लो क्यू ई फोर्स इज क्यू ई, ओके वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर पॉइंट वन और पॉइंट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाइक तो वर्क डन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वर्क डन जीरो नहीं हो रहा, दैट मीन्स पोटेंशियल जी सेम नहीं होगी दोनों पॉइंट की, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिकॉज द सर्फेस इज इक्विपोटेंशियल पॉइंट वन और पॉइंट टू की पोटेंशियल ही सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स वर्क डन जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स ई पैरेलल इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ई का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होगा, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेस। आर्ग्यूमेंट समझ में आया? आ गया समझ में सबको, उतार दिया इसको, उतार लिया सब लोगों ने? यस। तो ये जो अपने प्रूव किया, इस प्रूफ में मालूम है क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी न्यू दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अच्छा डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर अपन वन से टू जा रहे हैं, अगर अपन वन से टू जा रहे हैं
देन यू वन इज इक्वल टू यू टू, हमने अज्यूम कर लिया ना, अज्यूम क्यों किया, क्योंकि पहले अज्यूम नहीं किया, वी नो दिस, हमने अज्यूम नहीं किया, वी नो दिस, क्योंकि ये पहला पॉइंट था हमारा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही है कि दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वी वन इज इक्वल टू वी टू, इसीलिए अगर चार्ज क्यू रहेगा तो पोटेंशियल भी सेम रहेगी, ये हमारे को मालूम है, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है, बाय डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो नाउ आई एम सेइंग कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बाय डेफिनेशन, तो अगर अपन यहां से यहां पे जाएंगे, यहां से यहां पे जाएंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल जो जीरो होना चाहिए, तो अगर कोई फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है एंड इफ दिस चार्ज इज मूविंग अलोंग दिस सरफेस, तो रिमेंबर वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस। तो अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला है, तो एफ कितना हो गया, क्यू इंटू ई, एंड दिस इज डी एस, तो डी एस और एफ के बीच में एंगल थीटा हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू ई डॉट डी एस, वो जो होगा क्यू क्यू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। क्यू जीरो नहीं है, ई जीरो नहीं है, डी एस जीरो नहीं है, और अगर वर्क डन इज इक्वल डेल्टा यू है माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो डेल्टा यू तो जीरो है, तो वर्क डन को भी जीरो होना पड़ेगा, क्यू जीरो नहीं हो सकता, ई जीरो नहीं हो सकता, डी एस जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, एंड कॉस थीटा जीरो है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स ये जो एंगल है 90 डिग्री होना चाहिए, और ये 90 डिग्री का मतलब है दैट इज ई इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज ई इज परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल। तुम ऐसे भी आर्ग्यू कर सकते हो, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर, बात तो वही है, बट यहाँ पे एफ डॉट डी एस करके भी कर सकते हो सवाल, क्लियर। इसको उतार के डाइजेस्ट करो, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो टू पॉइंट्स आर क्लियर, पहला पॉइंट क्या है, द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यू वन और यू टू सेम होगा, सो वर्क डन विल बी जीरो, ओके। नाउ रिमेंबर हियर, सो व्हेन आई से कि अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं इधर से इधर, ओके, आई सेड इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही जाओ, सो सपोज तुम लोग इस रास्ते से जा रहे, अब इस रास्ते में तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्योंकि अगर यह इस रास्ते से जा रहे हो और ये सेंटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है, राइट, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, बट वॉट यू सी इज अगर तुम एग्जैक्टली दो हाफ में डिवाइड कर लोगे उसको, तो यहां पे अगर मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यू सी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट बीच एंगल जो है ई इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, देन दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस, तो यहां पे वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, एंड इफ यू सी दिस पॉइंट, ये वाला दिस पॉइंट, then the angle is acute, तो work done क्या आ जाएगा, positive आएगा, so what will happen is कुछ part में work done by the field positive होगा, कुछ part में work done by the field negative होगा, overall work done by the field क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, overall work done by the field will be zero, so it's not that at each and every point the work done by the field is zero, यहाँ पे तो हमने क्या बोला था, जो small displacement along the surface कर रहे हो, when I'm moving along the surface small displacement कर रहे हैं, then the work done has to be zero along the surface, because u1 is equal to u2 or along the surface ही move कर रहे हैं, so we're saying that electric field is perpendicular to this surface for this displacement, यहाँ पे तो हमारे को prove ये करना था, यहाँ पे हमारे को prove करना था moving from point 1 to point 2, when you are on the same equipotential surface at point 1 and point 2 the work done is zero, यहाँ पे कंस्टेंट ये नहीं था कि तुम सरफेस के अलोंग मूव कर रहे हो, तो अगर सरफेस के अलोंग मूव नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नहीं होगा, राइट,
दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन तो होगा ही होगा, बट व्हाट विल हैपन इज फॉर पार्ट इट विल बी पॉजिटिव एंड फॉर पार्ट इट विल बी नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे मूव करते हैं, सपोज कर लो ये ऐसे मूव कर रहे, तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल 180 डिग्री है. देन यू आर मूविंग लाइक दिस, तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 डिग्री है. सो यहाँ पे तो वर्क डन पूरा नेगेटिव होगा और यहाँ पे वर्क डन पूरा पॉजिटिव होगा, राइट? एंड द नेट सम विल बी 0. सो ऐसा होगा सवाल. इज दिस क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया सबको? यस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो यहां पे मैंने लिखा क्या है, इफ द फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सर्फेस इट वुड हैव अ नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सर्फेस. In this case, to move a unit positive charge along the surface, work has to be done. This is in contradiction to the definition of the equipotential surface. The potential difference between two points on the equipotential surface is zero. Hence, no work is required to move a test charge on the surface. बिल्कुल वही अपने डिस्कस किया अच्छे से. तीसरा पॉइंट क्या है? Equipotential surface never intersect each other. नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोनों सर्फेस का पोटेंशियल अलग अलग है. अगर ये equipotential surface है जिसका पोटेंशियल वी वन है, और अगर मैं दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना दूं जिसका पोटेंशियल V2 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? V2 होगा या V1 होगा? दो पोटेंशियल तो हो नहीं सकते एक पॉइंट के. दैट मींस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. लास्टली नहीं है अब, कुछ क्या बोलते हैं एग्जाम्पल से. फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग द एक्स एक्सिस. ओके, अब अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है, क्योंकि सब अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहे हैं. डायरेक्शन तो सबका सेम है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. और मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट पता चल रहा है अपने को? अपन ने फील्ड लाइंस बना के क्या बोला था, द फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया गिव्स द स्ट्रेंथ. तो अगर अपन एक एरिया इधर बनाए इस जगह पे, और एक एरिया इस जगह पे बनाए, और एक एरिया इस जगह पे बनाए, सो कहने का मतलब है कि योर एरियाज प्लेन आर लाइक दिस, वाइजेड प्लेन वाले, वाइजेड प्लेन हो, वाइजेड प्लेन के परपेंडिकुलर है. देन यू सी की जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स एरिया को क्रॉस कर रही है वो सेम है. दैट मीन्स इट्स कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड. जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द एक्स एक्सिस है, राइट? तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फील्ड लाइंस जा रही है. देन यू सी कि जिस प्लेन को वो काट रही है वो प्लेन कौन से सारे? ये वाला प्लेन है ना, वाई जेड प्लेन है.
जैसे ये YZ प्लेन ले लो, जैसे ये वाला प्लेन लो YZ, इस प्लेन को जितनी लाइंस काट रही है, ओके अगर तुम इधर देखोगे इस प्लेन को, इस प्लेन को भी उतनी लाइंस काट रही है, या अगर हम इधर से देख ले, इस प्लेन को देख लें, तो इस प्लेन को उतनी लाइन काट रही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज कांस्टेंट। जब हमने फील्ड को लिया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सारी फील्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देन दिस इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस ई इज कांस्टेंट, ये ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम। सो नाउ नाउ हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या से होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होंगे जहां पे वर्क डन ऑन मूविंग अलोंग द सरफेस जीरो होता है। तो अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो कोई भी चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स जो लगेगा क्यू ई, वो क्या होगा उस क्यू ई का डायरेक्शन, या तो ये होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन, या फिर ये होगा अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है ना, यही फोर्स के डायरेक्शन होंगे। तो इफ यू आर मूविंग परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू आर मूविंग परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन बाय फील्ड कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, विच इज एफ डी एस कॉस ऑफ 90, एंड कॉस 90 तो जीरो होता है, दैट मीन्स वर्क डन इज जीरो। एंड वर्क डन जीरो कब होता है, व्हेन यू आर मूविंग ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर जो सरफेस बन रहा है वो इक्विपोटेंशियल। और यहाँ पे वापस इसी फिगर में आ जाओ, तो ये जो प्लेन बनाया हुआ है, मैंने जितने भी प्लेन बनाए, ये प्लेन वन, प्लेन टू एंड प्लेन थ्री, ये सारे प्लेन जो मैंने बनाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सो दीज आर माई इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दिस इज द फिगर, वी कैन से दैट फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ये जो हमने फिगर यहाँ पे बनाया, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलता हूं, इसको वाई एक्सिस बोलता हूं और इसको जेड एक्सिस बोलता हूं, तो ये तो अपना वाई जेड प्लेन हो गया, और बाकी जितने भी ये प्लेन है, ये सारे प्लेन दीज आर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, then the equipotential surfaces are parallel to the yz plane. Is this clear? ये समझ में आ गया तुम लोगों को? कोई डाउट है क्या इसमें? सो नाउ वी हैव टू चेक फॉर व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सो सिंपली देख लो कि
अगर ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एंड इफ यू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इस सरफेस का पोटेंशियल यू वन है, इस सरफेस का पोटेंशियल यू टू है. ओके, देन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू टू माइनस यू वन, दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू. और अगर ये डिस्प्लेसमेंट डी आर है और अगर ये एंगल थीटा है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई लग रहा है. सो माइनस ऑफ डेल्टा यू वर्क डन इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डी आर, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डी आर. एंड वर्क डन माइनस डेल्टा यू क्या है, माइनस ऑफ क्यू इंटू वी टू माइनस क्यू इंटू वी वन, क्योंकि यू क्या होता है, क्यू इंटू वी होता है. सो दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू ई डॉट डी आर लिखो या डेल्टा आर लिखो, हम इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते तो हम सीधा डेल्टा आर लिख लेते हैं, हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर ले लेते हैं, उसको डी आर भी कर सकते हैं बाद में जाके, डॉट डेल्टा. सी क्या हो गया, माइनस क्यू डेल्टा वी यू माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा आर. तो क्यू से क्यू नहीं, यहाँ पे माइनस साइन नहीं, क्यू से क्यू कट जाएगा. सो वॉट वी गेट इज डेल्टा वी इज इक्वल माइनस ई डॉट डेल्टा आर. और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस या ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. बाकी तुम लिखोगे डेल्टा वी इज इक्वल माइनस ई डॉट डेल्टा आर और डी वी इज इक्वल माइनस ई डॉट डी आर. ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ गया, इसको समझाऊंगा डिटेल में कल की क्लास में. ओके, सो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज डी वी इज इक्वल माइनस ई डॉट डी आर और ई इज इक्वल माइनस डी वी डॉट डी आर. अगर बायो के बच्चे हो नीट के लिए, देन दैट इज यूजिंग डी वी एंड डी आर, यूज डेल्टा वी इज इक्वल माइनस ई डॉट डेल्टा आर और ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर. ये भी कर सकते हो तुम लोग, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम कैसे यूज करेंगे उसको देख लेंगे, बट इसकी डिटेल्स जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें. सो ओवर द क्लास हियर ओनली.